यहाँ करके हमें यहाँ प्राकृतिक मनोरमता अति सुंदर है। साक्षात ब्रह्मा जी लगता है कि आसमान में उनकी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा अनुभव। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। हम लोग झारखंड से आए हैं, सावन गोत्र के मैथिल ब्राह्मण है। पुष्कर तीर्थ में अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा परदादी, मामा मामी, नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना परनानी, मातृकुल, पितृकुल, गुरु महाराज जो कुल गुरु हैं स्वर्गवास कर गए हैं, उन पितरों का श्राद्ध तर्पण करने पुष्कर तीर्थ में ब्रह्म सरोवर के निकट हम लोग सादर भक्ति पूर्वक जो यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करने आए हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? आपने यहाँ आकर के हमें यहाँ प्राकृतिक मनोरमता अति सुंदर है। साक्षात ब्रह्मा जी लगता है कि आसमान में उनकी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कमंड से निकला हुआ है और ये ब्रह्म तीर्थ है। विश्व में ये दूसरा नहीं है, विश्व में अकेला है यहाँ ब्रह्म मंदिर और ब्रह्म सरोवर। पुष्कर तीर्थ भी अकेला है, विश्व में दूजा नहीं है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा, मैं सेल बोकारो स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। हाँ, गंधाजुल मिश्र परिवार का एक वंशज। श्राद्ध पक्ष जो भादव मास की पूर्णिमासी से अश्विन मास की अमावस तक 16 दिन के श्राद्ध बनाए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को जल तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्य किए जाते हैं, क्योंकि 16 दिन के अंदर अपने जो भी पूर्व दादा परदादा जो भी देव हैं वो 16 दिन के लिए मृत्यु लोक में आते हैं और अपने परिवार वाले को आकर देखते हैं कि मेरे लिए क्या बनाया, मेरे लिए क्या भोजन दिया। अगर आप लोग बनाओगे, भोजन कराओगे तो भोजन होकर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। यदि आप लोग भोजन नहीं कराओगे तो घर पे आएंगे, नाली में जो झूठा पड़ा तो उसको खा के चले जाएंगे और दोष इसका पितृ दोष बनता है। अब पितृ दोष के कई लक्षण होते हैं, घर में अशांति रहती है, बीमारियां नहीं जाती है, पैसा नहीं रुकता है, घर में कलेश होता है, बच्चों की शादियां नहीं होती है, शादियां हो भी जाती है, संतान नहीं होती है, संतान होती है तो पागल हो जाती है। ये सभी पितृ दोष के लक्षण हैं। तो पितरों को यहाँ श्राद्ध पुष्कर तीर्थ में गया में सब जो करने का महत्व है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवाह से पुष्करा नीचे एतानी मुख्य तीर्थानी श्रद्ध काले भवंतिया, परंतु पुष्करा सब तीर्थों का गुरु है, गुरु होने के नाते यहाँ सात कुल का पिंडदान किया जाता है। भगवान राम ने भी अपने पिता का श्राद्ध गया जी में दिया था, परंतु उनका मोक्ष नहीं हुआ। तब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जो पुष्कर अरण्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जब गुजर रहे थे आकाशवाणी हुआ तब पुष्कर तीर्थ में मेरा पिंडदान देना है। तो भगवान राम ने सोचा है कौन सा तीर्थ है, तो ध्यान लगा के देखा तो ये भगवान ब्रह्मा का तीर्थ है, सतयुग का तीर्थ है, ये गुरु दरबार है। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित यहाँ बालू मिट्टी का पिंडदान दिया। इसका वर्णन पद्म पुराण में है, रामायण में है, गीता में है, भागवत में है, श्रीमद् भागवत में पुष्कर का वर्णन सभी जगह आता है। पिंडदान करने से घर में सुख शांति होती है, संतान की वृद्धि होती है, व्यापार वृद्धि होता है, रोग दोष बीमारियां सब दूर होती है, क्योंकि पुष्कर गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं, 68,000 तीर्थों का ये गुरु है। गुरु होने के नाते यहाँ पिंडदान का बड़ा भारी महत्व है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर के सिवाय कोई तीर्थ नहीं था। द्वापुरम नेमी शरणम, द्वापुर में नेमी शरण था, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा जो भागीरथ लेके आया था। साथ ही जगह के मोक्ष के धाम बताए गए हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तईते मोक्षदायक है। सतयुग का माया तीर्थ पुष्कर राज को कहा गया है और कलयुग का माया तीर्थ गंगा जी को कहा गया है। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है, ये सरोवर में आकर स्नान, पितरों के तर्पण, पिंडदान करने का बड़ा बहुत महत्व है और श्राद्ध पक्ष में हर मनुष्य को आकर यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए और पितरों के निमित्त गरीब ब्राह्मण साधु संत गरीब को खाना खिलाकर दक्षिणा देकर उनके पांव छूने चाहिए। ये सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पूरे साल भर तक ये 16 श्राद्ध में सभी पितर अपने मृत्यु लोक में आते हैं और अपने वंशज के द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और वापिस 16 दिन के बाद में अपने स्थान पधारते हैं। पंडित हरि गोपाल पारासर, ब्रह्मगढ़।